मेरा टॉपिक है प्रोनाउन सुजे, सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, इन फ्रेंच में हम कैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन को बोलते हैं, लिखते हैं। ओके, सो टुडे मैं आप सभी को बताता हूँ हाउ टू राइट प्रोनाउन सुजे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आपको फ्रेंच सीखने के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो मैं आपको सिखाता हूँ प्रोनाउन सुजे, प्रोनाउन सुजे। प्रोनाउन सुजे मीन्स प्रोनाउन सुजे, सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन इज, सबसे पहले आपको मैं सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, ज मीन्स होता है आई। ओके, सब्जेक्ट मीन सबसे पहले हम आता है आई, ज को हम बोलेंगे ज, ज। ट्यू मीन्स होता है यू। ओके, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन साथ ही साथ लिख देता हूं। ओके, सो सबसे पहले प्रोनाउन सुजे, सब्जेक्ट प्रोनाउन ज, ज सुई। ओके, ज, ज मीन्स होता है आई, ज। ओके, ट्यू, ट्यू मीन्स यू। ओके, इल, इल, इल मीन्स he, how to pronounce in Hindi, ill, okay, l, this is same like l, alphabet की तरह l, okay, so l means होता है c, or this is like that, okay, l. Now is nu, nu means होता है v, okay, nu, how to pronounce nu, okay, vu, vu means होता है you, vu. ओके, वो, ओके, नाउ इल, इल मींस होता है दे, मैस्कुलिन प्लूरल। हम किसके लिए यूज करते हैं इल, ओके, मैस्कुलिन प्लूरल के लिए। इसको भी सेम इल की तरह प्रोनाउंस करेंगे, बी के फॉर इल। ओके, नाउ इज एल, एल मीन्स दे, और दिस इज फॉर फेमिनिन प्लूरल। ये किसके लिए यूज करते हैं, फेमिनिन प्लूरल के लिए। ओके, सो नाउ इज इल, और ये हो गया एल। हम इसको ध्यान रखना है, इल्स नहीं बोलना है, एल्स नहीं बोलना है, केवल जस्ट इल, एल। ओके, मैं प्रोनाउंस दोबारा करके दिखा देता हूं आपको कैसे बोलेंगे। प्रोनाउंस सुजे, सब्जेक्ट प्रोनाउन ज, ज, ज मीन्स होता है आई। ओके, ट्यू मीन्स यू। ओके, यहां पे आप सोच रहे होंगे कि ये ट्यू है, यहां पे भी ट्यू मीन्स अपने यू लिखा है, और इधर में भी वो मीन्स यू लिखा है। ओके, बट दिस इज फॉर फॉर्मल इनफॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं तू कैसा है, ओके, ट्यू या फिर तुम कैसे हो, हम हिंदी में बोलते हैं ट्यू कैसा है या तू कैसा है, दोस्तों के लिए, फॉर फ्रेंड्स। ओके, नाउ दिस इज फॉर रेस्पेक्ट पर्सन, जैसे आप कैसे, लाइक दैट, अडल्ट के लिए यूज करेंगे आप कैसे। सो यहाँ पे भी वू है, और यहाँ पे भी वू का मतलब यू होता है, यहाँ का क्यू मतलब होता है यू। सो दोनों यहाँ पर यू है, इट मीन्स दिस इज फॉर फ्रेंड, ये फ्रेंड के लिए यूज करेंगे, और वू फॉर रेस्पेक्ट पर्सन के लिए।
आप, वो चाहे एक पर्सन हो या फिर प्लूरल पर्सन हो, ओके प्लूरल्स हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक ट्यू, नू मीन्स होता है वी, वू मीन्स होता है यू, इल मीन्स दे मैस्कुलिन प्लूरल, एल मीन्स दे फेमिनिन प्लूरल, ओके। सो दीज आर सब्जेक्ट प्रोनाउन। इसमें एक और होता है ओ, ओके ओ, ओ को मतलब होता है वी, ओके जैसे वी आर इंडियन, ओके सो ओ, ओके। सो मैं इसको यहां पर आपको बता देता हूं, हम ओ, ओ मीन्स होता है वी, जस्ट वी आर इंडियन, ओके ओ। सो दीज आर प्रोनाउन सूजे, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। हम इनको बेसिकली कैसे यूज करते हैं, जब हम किसी कॉन्जुगेट करते हैं, हम जब कॉन्जुगेट करते हैं ना सब किसी वर्ब्स को, देन वी यूज ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन सूजे, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। नाउ इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉन्जुगेट कैसे करते हैं वर्ब्स को। जैसे मैं कहता हूं आई एम इंडियन, ओके सो आई का हो गया जे, आई एम का लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए मैं अभी कॉन्जुगेट बताता हूँ, कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एट, दिस इज द फर्स्ट वर्ड, ओके एट, एट मीन्स टू वी, एट मीन्स टू वी, ओके। मैं इसको लाइन कर देता हूं, जस्वी, जस्वी, जस्वी मीन्स होता है आई एम, जस्वी इज आई एम, ट्यू ए then il a l a nous sommes okay vous êtes ils sont we don't pronounce last ओके लास्ट वर्ड सो ils sont, elles sont, ओके। सो जिस मीन्स होता है आई एम, क्यू ए मीन्स होता है यू आर, इल ए मीन्स होता है ही इज, एल ए मीन्स होता है सी इज, नू सॉन्ग मीन्स होता है वी आर, वू जेट होता है यू आर, और इल सॉन्ग मीन्स होता है दे आर फॉर मैस्कुलिन प्लूरल। मैंने आपको यहां पे बताया था मैस्कुलिन प्लूरल होता है, एल दे आर फॉर फेमिनिन प्लूरल। So how to pronounce? First of all, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिस सुई आई एन, क्यू ए यू आर, इल ए ही इज, एल ए सी इज, नू सॉन्ग्स वी आर, वू जेट यू आर, इल सॉ दे आर, एल सॉ दे आर फॉर फेमिनिन प्लूरल, और दिस इज फॉर मैस्कुलिन प्लूरल, ठीक है। जैसे आई एम इंडियन, ओके आई एम इंडियन, जिस सुई इंडियन, ओके क्यू ए इंडियन, एल ए इंडियन, एंड देन एल ए इंडियन, बिकॉज दिस इज फेमिनिन, ओके सो इंडियन। आई विल लेट यू नो द कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे और कैसे लिखेंगे नेशनलिटी को, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वू जेट यू आर, इल सॉ दे आर, एल सॉ दे आर फेमिनिन प्लूरल, दिस इज फॉर मैस्कुलिन प्लूरल, ओके। सो दिस इज इल सॉन्ग मैस्कुलिन प्लूरल, एल सॉन्ग फेमिनिन प्लूरल, ओके। सो दीज आर द, दिस इज द एट कंजुगेशन। सो नाउ दिस इज सब्जेक्ट प्रोनाउन और दिस इज एट कंजुगेशन, ओके गाइस। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल एट कंजुगेशन के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं अबवार कंजुगेशन, how to write avoir conjugation. So now is avoir, avoir means to have, okay to have,
वन इज टू हैव, जिस जे जे मीन्स होता है आई हैव, सेम जे मीन्स आई. ओके, यहां पर ध्यान रखना है नेक्स्ट इज वोवल, आफ्टर द ज देयर इज वोवल, अगर वोवल है तो देन वी पुट अपोस्ट्रोफ हियर, बिकॉज अगर हम ऐसे लिखते हैं तो दो वोवल क्लैश करेंगे लाइक दैट. तो यहां पर ई हो गया और यहां पर ए हो गया, देन वी नेवर राइट ईच अदर. तो हम क्या करते हैं, जस्ट कट ई देन अपोस्ट्रोफ ए आई. ओके, सो हाउ टू राइट जे. ओके, नाउ यू आर एल आर एल आर सिन नू नू जाफो वू जावे इल्स ऑन एल ऑन, सो इल इल्स ऑन एल ऑन. ओके, नेक्स्ट इज वोवल, इसलिए हम इसको बिल्कुल ऐसे बोलेंगे एक साथ तक, इल्ज़ोम एल्ज़ोम. ठीक है, सो ट्यू जे मीन्स होता है आई हैव, ट्यू मीन्स होता है यू हैव, इल आर ही हैज, एल आर सी हैज. ओके, नू ज़ावो मीन्स होता है वी have, और वू ज़ावे मीन्स होता है यू हैव, इल्ज़ोम मीन्स होता है दे है, और एल्ज़ोम मीन्स होता है दे है. सेम कंजुगेशन, बट दिस इज फॉर मैस्कुलिन प्लूरल, मैंने यहां पर भी बताया था आपको, दिस इज फॉर फेमिनिन प्लूरल. एक बार रिपीट करते हैं कंजुगेशन ऑफ एत्र, जिस्वी ट्यू ए इल ए एल ए नू सॉ बू जेट इल सॉ एल सॉ. ओके, मैंने इसका मीनिंग रखा था. देन अबुआर कंजुगेशन मीन्स होता है टू अबुआर मीन्स टू हैव, जे ट्यू आर इल एल आर, उसके बाद में नू जावो वू जावे इल्सा एल्सा. इट मीन्स जे मीन्स आई हैव, यू हैव, ही हैज, सी हैज, एंड वी हैव, यू हैव. बी केयरफुल, मैंने यहां भी बताया था आपको, यू हैव फॉर फ्रेंड. ओके ओके, जैसे ट्यू बोलते हैं, जैसे यू हैव मीन्स टू हो गया, ओके, या तुम हो गया. ओके, दिस इज फॉर आप, प्लूरल आप कैसे हैं, ओके, लाइक दैट फॉर रेस्पेक्ट. ओके, सो एल आर सी हैज, नू जावो वी हैव, वू जावे यू हैव, इल्ज़ोम दे हैव, एल्ज़ोम दे हैव. सो आज हमने कॉन्जुगेशन किया अबुआर और एत्र. अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता देता हूं. जैसे मैं कहता हूं जे द स्टीलो, इट मींस आई हैव टू पेन्स. ओके, स्टीलो मीन्स होता है पेन. ओके, जे मीन्स आई हैव, द मीन्स टू, स्टीलोज, स्टीलो मीन्स पेन. सो आई हैव टू पेन्स. ठीक है, ट्यू आर, ट्यू आर यूताबल, यू हैव अ टेबल. ओके, सो इस तरह से हम यूज करेंगे, हम जब सेंटेंस क्रिएट करेंगे, सेंटेंस जब आगे बनाएंगे, तो हमें दीज कॉन्जुगेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से ये लर्न करना है. ओके, तो आज अभी आज आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ. आज आप जस्ट प्रोनाउन आपको चेक करने हैं. ओके, उसके बाद में अबुआर और एथ कॉन्जुगेशन आपको रिवाइज करें. ओके, आप एक बार ढंग से आप इसको देख लेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, अच्छा, आपको मैं आप इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच गाइस.